हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ एनाटॉमी ऑफ एम्फियोक्सिस। एनाटॉमी क्या होती है और एनाटॉमी में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ एम्फियोक्सिस। एनाटॉमी में हम बॉडी वॉल, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लास्ट हमारा नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। इनकी बॉडी में मोस्टली ट्रंक रीजन प्रेजेंट होता है। इनकी स्किन जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और टू लेयर की बनी होती है। तो सबसे पहले हम बॉडी वॉल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर, इनकी जो स्किन होती है वो एपिथीलियम की बनी होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। और सेंसरी हेयर प्रेजेंट होते हैं बट ग्लैंड सेल्स एंड पिगमेंट सेल्स अब्सेंट होती है। एपिडर्मिस के नीचे दो लेयर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी? क्यूटिस एंड सबक्यूटिस। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर की बनी है, लेकिन इनके नीचे क्यूटिस एंड सबक्यूटिस लेयर जो है वो प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी आउटर मोस्ट लेयर ट्रांसपेरेंट जो थी। अब हम देखते हैं सेकंड मस्कुलर लेयर। स्किन के नीचे मसल्स प्रेजेंट होती है जो थिक होती है और ये नर्व कोड एंड नोटो कोड को एनक्लोज्ड करके रखती है। ये मसल्स वी शेप्ड की सीरीज में प्रेजेंट होती है जिसको मायोमियर्स एंड मायोस्टोम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मायोमियर्स आपको डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे, ये मायोमियर्स इनकी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं वी शेप्ड में। दो मायोमियर्स के बीच में जो पार्टीशन प्रेजेंट होता है उसको मायोसेप्टा बोलते हैं और ये मायोसेप्टा दो मायोमियर्स को सेपरेट करता है। ट्रंक रीजन के इंटरनल सरफेस पर जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो हेल्प करती हैं वाटर को एट्रियल कैविटी से बाहर निकलने में। किसके थ्रू? एट्रियोपोर के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो एट्रियोपोर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, इसको हम एक्सटर्नली देख सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालना। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लेयर है पेरिटोनियम लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर होती है। ये काफ़ी थिन लेयर होती है, ये कंटिन्यूसली प्रेजेंट नहीं होती, पैचेस में प्रेजेंट होती है। ये एम्फियोक्सिस के फेरेंजियल रीजन में अब्सेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स बॉडी वॉल हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्केलेटन सिस्टम। ओके, स्केलेटन सिस्टम में हम नोटोकोड को डिस्कस करेंगे कि सिफेलोकोडेट में नोटोकोड किस तरह की प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी में नोटोकोड हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होती है। नोटोकोड एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर मिड डोर्सल पार्ट पर प्रेजेंट होती है। ये फ्लैट प्लेट्स की बनी होती है और ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होती है। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही होगी नोटोकोड प्रेजेंट है, ये हेड से लेकर टेल तक पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स ये था स्केलेटन सिस्टम, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? माउथ। सेकेंड है बकल कैविटी। थर्ड जो हमारा इस बार ऐड हुआ है वो है वेलम। फोर्थ फेरिंग्स। फिफ्थ है हमारा ईसोफेगस। सिक्स्थ है हमारा इंटेस्टाइन। सेवेंथ है हमारा एनस। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हमको हम इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या आता है? माउथ। एम्फियोक्सिस का माउथ स्मॉल एंड राउंडेड होता है और माउथ के बेस पर वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी ओपन होती है और जो माउथ होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको वेलम बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन स्फिंक्टर की तरह वर्क करती है और इन पर 12 टेंटिकल प्रेजेंट होता है जो माउथ को हेल्प करते हैं ओपन और क्लोज होने में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में थ्री पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट बक्कल सरसाई, सेकंड वेस्टिब्यूल, थर्ड व्हील ऑर्गन। बक्कल सरसाई आपको क्लियरली नज़र आ रही होंगी डायग्राम में, ये जो हेयर लाइक
स्ट्रक्चर है, यही बक्कल सरसाई है जो हेल्प करती है वाटर की स्ट्रेनिंग में। वाटर के केमिकल नेचर को भी पहचानते हैं कि किस तरीके का वाटर बॉडी में एंटर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन आपको डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे। व्हील ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है? ये उन फूड पार्टिकल को इकट्ठा करता है जो बॉडी के अंदर नहीं जा पाते और वाटर स्ट्रीम के थ्रू माउथ में भेज देता है और वहाँ से फिर फूड पार्टिकल्स फेरिंग्स में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हील ऑर्गन जो है हमारा शॉर्ट नोट के पर्पस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बक्कल कैविटी को ऑरल हुड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑरल हुड का डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको सेंसरी पेपिले और टेंटिकल्स नज़र आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है वेलम। बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर एंड पर प्रजेंट होती है और ये सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है और ये माउथ को ओपन होने में और क्लोज होने में हेल्प करती है। इसके ऊपर 12 सिलेंडर लाइक टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका वेलम का डायग्राम, इसमें आपको 12 टेंटिकल्स क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी शॉर्ट नोट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है इनकी बॉडी में काफ़ी लार्ज पार्ट तक कवर करता है इनकी बॉडी को। तो स्टूडेंट्स फेरिंग्स में हम गिल्स लिट्स, गिल्स बार और एंडोस्टाइल को डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स में 50 to 200 पेयर्स ऑफ गिल्स लिट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू फेरिंजियल कैविटी एट्रियल कैविटी में ओपन होती है। गिल स्लिट्स का नंबर भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे एनिमल का साइज बढ़ता जाता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स गिल स्लिट्स का स्ट्रक्चर ये रहा जिसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि गिल स्लिट्स जो है एम शेप में होती है। नेक्स्ट है गिल बार। गिल बार का फंक्शन गिल स्लिट्स को सपोर्ट करना होता है। 2 टाइप्स की गिल्स बार प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है प्राइमरी गिल्स बार, सेकंड है सेकेंडरी गिल्स बार। ओके, सेकेंडरी गिल बार को टंग बार भी बोला जाता है जो कि रेगुलरली प्रेजेंट होती है और स्ट्रक्चर वह डेवलपमेंट में डिफरेंट होती है। ओके, जो प्राइमरी गिल्स बार होती है वो उन टिश्यू से मिलकर बनी होती है जो गिल्स लिट्स के बीच में प्रेजेंट। जो सेकेंडरी गिल बार होती है उनको टंग बार भी बोलते हैं। वो कैसे डेवलप्ड होती है? बाय द डॉर्सल वॉल ऑफ प्राइमरी गिल बार। फ्रेंड्स ये आपको डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रही होगी कि प्राइमरी गिल बार कैसी होती है और सेकेंडरी गिल बार कैसी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल में 5 सिलिएटेड ट्रैक प्रेजेंट होते हैं। मीडियम ट्रैक होता है उसके सीलिया ज़्यादा लॉन्गर होते हैं। एंडोस्टाइल को 2 स्केलेटन प्लेट सपोर्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स डायग्राम में आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है एंडोस्टाइल का, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा जो मीडियल सीलिया है वो बाकी के कंपैरिजन में लॉन्गर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का इंटेस्टाइन। रिंग्स की तरह इंटेस्टाइन भी काफ़ी लॉन्ग होती है और ये 3 रीजन में डिवाइड होती हैं। जो एंटीरियर रीजन होता है उसको मिडगट बोलते हैं और जो मिडिल रीजन होता है उसको इलियोकुलोन बोलते हैं और जो पोस्टीरियर एंड होता है उसको हिंडगट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो मिडगट होती है उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया फूड को डाउन वर्क साइड में लेके जाते हैं और फूड का जो डाइजेशन होता है वो इन तीनों पार्ट में कंप्लीट हो जाता है और फिर फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एनस जो होता है वो कैडवल फिन के बेस पर ओपन होता है और इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एम्फीऑक्सिस किस तरीके से अपने फूड को लेता है। एम्फीऑक्सिस को नॉर्मली सिलियरी फीडर्स बोला जाता है। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को वाटर से अपने फूड के लिए लेते हैं। इनकी बॉडी में वाटर करंट के थ्रू माउथ में एंटर करता है, देन फेरिंग्स में जाता है और फिर एट्रियोपोर के थ्रू
बाहर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इनकी फीडिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। गिल्स बार के जो सीलिया होते हैं वो लैशिंग मूवमेंट शो करते हैं जिसके थ्रू वाटर करंट इंक्रीज होता है और वाटर फेरिंजल कैविटी में चला जाता है और फिर वहाँ से जो वाटर है वो एंडोस्टाइल में चला जाता है और फिर फाइनली वाटर जो है वो ईसोफेगस में एंटर कर जाता है। ओके, तो जो डाइजेशन होता है फूड का वो मिडगट से ही स्टार्ट हो जाता है। इनकी बॉडी में दोनों तरीके का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी, यही इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हिंड गट में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये होता है इनके फीडिंग का मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया? फर्स्ट बॉडी वॉल, सेकंड स्केलेटन सिस्टम, थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।